स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ रश्मि गौरी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो इस वक्त रायपुर से मिल रही है, जहां पर कोरोना वायरस के दो और संदिग्ध मरीज पाए गए हैं। अब तक संदिग्धों की संख्या 16 हो चुकी है और 16 में से 7 की रिपोर्ट आ चुकी है जो नेगेटिव है। बाकी सैंपल 9 रिपोर्टों का इंतजार किया जा रहा है। एम्स और अम्बेडकर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में इन मरीजों को रखा गया है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त आपको रायपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर, रायपुर से कोरोना वायरस के दो और संदिग्ध मरीज पाए गए हैं। अब तक संदिग्धों की जो संख्या कुल मिला के वो 16 हो चुकी है और 16 में से 7 लोगों की जो रिपोर्ट अब तक सामने आई है वो निगेटिव आई है। बाकी 9 लोगों के जो सैंपल भेजे गए थे उनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और इन मरीजों को एम्स और अम्बेडकर अस्पताल का आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हेमंत शर्मा लाइव हमारे साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जुड़ गए हैं। हेमंत सुप्रभात, जिस तरह से 16 जो कोरोना के जो मरीज हैं जिनके सैंपल्स भेजे गए थे उनमें से कई की रिपोर्ट्स आ चुकी है, कई की अभी तक नहीं आई है, इंतजार किया जा रहा है, किस तरह का अलर्ट देखा जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? देखिए राष्ट्र, छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के दो और संदिग्ध मिले हैं और उन संदिग्धों में एक युवक और एक महिला है। दोनों जो संदिग्ध मरीज हैं वो चीन से हाल ही में लौटे हैं और स्वास्थ्य विभाग ने उनसे आग्रह किया था कि वो अस्पताल में जाकर वो वहां पर चेक कराएं, जांच कराएं और उसी के आधार पर रायगढ़ का रहने वाला युवक और रायपुर का रहने वाली महिला, जो दोनों चीन से अभी लौटे हैं, उन्होंने अस्पताल में जाकर अपनी जाँच कराई है। उनके जो रिपोर्ट है वो कुछ दिन बाद आ जाएगा, लेकिन अब तक देखा जाए तो करीब 16 संदिग्ध मरीज यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मिले थे और उसमें से 7 की जो रिपोर्ट है वो आ गई है। सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि 7 के 7 जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है, मतलब उनको संदिग्ध तौर पर जरूर जांच किया गया था उनका, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस तरह की फैसिलिटीज ही प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है कि जो संदिग्ध मरीज पहुंच रहे हैं उनके इमीडिएटली उनको इलाज मुहैया कराया जाए या उनके सैंपल लेने की कोई ऐसी व्यापक व्यवस्था हो, ये तमाम चीजें नहीं है क्योंकि फैसिलिटीज ही नहीं है और सबसे बड़ा अस्पताल भी है मेकाहारा। देखिए, कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोई बड़ा उपाय छत्तीसगढ़ में नहीं है। यहाँ पर ये होता है कि जो संदिग्ध मरीज है उनकी यहाँ पर जांच की जाती है, उस सैंपल को फिर दूसरे जगह पर भेजा जाता है। हालांकि अंबेडकर, एम्स और डीकेएस यहाँ पर अलग वार्ड की व्यवस्था कर ली गई है कोरोना वायरस से निपटने के लिए, और जो संदिग्ध मरीज आ रहे हैं, जैसे कि जो दो जो संदिग्ध मरीज मिले हैं वो अंबेडकर अस्पताल गए थे और अलग से वार्ड वहां पर बनाया गया है और उसी वार्ड में वहां पर उनका सैंपल लिया गया है। उस सैंपल को अब वहां पर जांच के लिए चंडीगढ़ और अन्य जगहों पर भेजा गया है, वहां से रिपोर्ट आएगी और ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार उनका जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आता है या पॉजिटिव। लेकिन हेमंत, एक और सवाल है कि चाहे फिर अंबेडकर की बात कर ले हम, फिर एम्स की भी बात कर ले हम, मेकाहारा की हम बात कर ही रहे हैं, इन ये प्रदेश के बड़े अस्पतालों में शुमार हैं और एम्स की तो बात ही खैर अलग है, लेकिन फिर भी जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी चाहिए, जो संदिग्ध पहुंच रहे हैं, सिर्फ कोरोना वायरस के ही संदिग्ध नहीं, अन्य बीमारियों के भी जो संदिग्ध पहुंचते हैं, जो मरीज पहुंचते हैं, उनको भी इमिडिएटली रिलीफ नहीं मिल पाता है। वो भी जो पीड़ित पहुंच रहे हैं, जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, उनको भी भटकना ही पड़ता है। देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि कई बार ऐसी तस्वीर राजधानी रायपुर के अंबेडकर अस्पताल, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहां से निकलकर भी बीच बीच में आया है, वहां पर ये गंभीर शिकायतें मिली है कि वहां पर ठीक से जो डॉक्टर हैं वो मरीजों से बात नहीं करते। हालांकि यहाँ पर सरकार की भी चूक है,
क्योंकि प्राइवेट जैसे जो इलाज हैं वो अब अंबेडकर अस्पताल में हो रहे हैं, मरीजों को ये मालूम नहीं है कि वहाँ पर इस तरह का इलाज अंबेडकर में भी हो रहा है, बल्कि वहाँ पर जानकारी नहीं होने के अभाव में जो मरीज हैं वो प्राइवेट अस्पताल की ओर रुख कर रहे हैं। और वहाँ पर प्राइवेट अस्पताल में शुरू से ही ये देखा जाता है कि अगर सरकारी अस्पताल में किसी इलाज की कीमत 1 लाख है तो प्राइवेट अस्पताल में उसी इलाज की कीमत करीबन 2.5 लाख रहेगी। तो ये सभी चीजें हैं और जागरूकता का अभाव है निश्चित तौर पर। लेकिन सरकार को इसकी ये कोशिश जिम्मेदारी भी करनी तो चाहिए सरकार कि की है, और मरीजों जो को ये पता सरकारी चल। डॉक्टर्स हैं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया जाता है, ये उनकी भी व्यापक जिम्मेदारी बनती है कि जो मरीज हैं, जो प्रदेश की जनता है, उन तक तमाम जानकारियां पहुंचाई जा सके। कहाँ पे कमी पाई जा रही है, ये कहाँ किस तरह का लैकनेस पाया जा रहा है, क्योंकि ये इस तरह की स्थिति कोई पहली बार नहीं है। अगर हम जापानी बुखार की भी बात कर लें तो उस वक्त भी हमें इसी तरह की स्थिति पिछले साल भी देखने को मिली थी। हर साल इसी तरह की स्थिति निर्मित होती है। हाँ देखिए, ये पहले दफा नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग किसी मसले पर गंभीर हुआ हो। निश्चित तौर पर ये पहले भी देखा जाता रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो गंभीरता लापरवाही वहाँ पर बरतते दिखाई देते हैं, जबकि अंबेडकर में हर इलाज संभव वहाँ पर है। निश्चित तौर पर ये इस यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जागरूकता का अभाव सबसे मुख्य कारण, जागरूकता का अभाव, और इसी अभाव के कारण मरीजों को अंबेडकर अस्पताल में जो इलाज हो रहा है गंभीर बीमारियों का उसके बारे में पता नहीं है। वहां के डॉक्टर जरूर प्रयास करते हैं, लेकिन जो अंबेडकर अस्पताल के दो अधीक्षक हैं विवेक चौधरी वहां पर लगातार लंबे समय से काबिज रहे, लेकिन उन्होंने इस दिशा में कोई पहल नहीं की। अभी फिर नए अधीक्षक वहां पर आए हैं, उनके द्वारा भी वहां पर कोई पहल नहीं की गई। मैं कुछ दिन जिसका पहले वहां पर खामियाजा इस तरह अंबेडकर के अस्पताल मरीजों को गया था तो भुगतना पड़ डॉक्टरों रहा के है, जो साथ बाहर दूसरे देशों से, चाइना से जो लौट के आ रहे हैं, जिनमें इस तरह के सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, उनके साथ साथ दूसरों को भी इस तरह की जो खामियाजे हैं वो भुगतने पड़ रहे हैं। नजर बनाए रखिएगा, लगातार दिन भर आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, खबर आपको भोपाल से।